नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, वैसे नए अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। हम लोग का जो मेन टॉपिक है एनसीएफ 2005 है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एनसीएफ 2005 ये किसकी अवधारणा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की अवधारणा पर इसको लिया गया है। किसकी अवधारणा पर लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर की इस अवधारणा पर लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास से संबंधित है। सर्वांगीण विकास से संबंधित है मतलब क्या हुआ कि बालक जो है उसकी पढ़ाई सिर्फ शिक्षा या फिर किताबों तक ही घिर कर ना रह जाए, बाहरी जीवन को भी शिक्षा के साथ जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। एनसीएफ 2005 प्रोफेसर जसपाल के द्वारा 23 विद्वानों की कमिटी के अति में बनाया, देखरेख में बनाया गया था, जिसमें से मुख्य रूप से था क्या, बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, साथ ही इसमें किताबों का जो बोझ है उसको कम करने के लिए एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया था। एनसीएफ 2005 के तहत बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो इस पर विशेष जोर दिया गया, साथ ही बच्चे को किताबों के बोझ से कम किया गया। मोटे मोटे किताबों में फंसकर जो बच्चे असफल होते थे, बच्चों की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव पड़ता था, उसको कम किया गया। बच्चों में तनाव को कम किया गया, बच्चों जो तनावग्रस्त हो जाते, छोटे से बच्चे जो तनावग्रस्त हो जाते थे उनको कम किया गया। यही सारे चीजों को लेकर हमारे एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देंगे और उस तथ्यों के आधार पर हम इसका क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब इस प्रकार की क्वेश्चन जो है आप बहुत आपके सी टेट या फिर कोई भी स्टेट टेट, यूपी टेट, जे टेट, इनमें सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सवाल एनसीएफ 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जो शिक्षक बनने के लिए अपना टेट के एग्जाम दे रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप शिक्षक के एग्जाम देते हैं जहां पर पेडागोजी का सेक्शन हो और उस सेक्शन में अगर आप एनसीएफ 2005 को छोड़ते हैं तो बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि ये आपका क्या है, एक संरचना है। हमारी जो भी वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसकी एक संरचना है, क्योंकि अभी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो लागू हर स्टेट में वो तो लागू नहीं हो पाई है। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली बना है इसका अध्यक्षता किनके हाथ में था, मतलब किसके देखरेख में इसको बनाया गया, तो के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में के समिति के द्वारा इसे बनाया गया है आपका 2021 जो नई शिक्षा नीति जो चलेगी। तो चलिए कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं। विद्यालय शिक्षा का अब तक सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज तो एनसीएफ 2005 है। ठीक है, एनसीएफ 2005 हो गया विद्यालय शिक्षा अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज। विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज इसको बनाया गया तो एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, अगला है हम लोगों का सवाल, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? किस मंत्रालय के पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? देखिए अभी इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय, लेकिन इसका पहले जो नाम शिक्षा मंत्रालय नहीं था, वो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय था। क्या था उसका नाम? था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या नाम था? तो नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कौन सा मंत्रालय बना दिया गया? शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। किनकी अध्यक्षता में विद्वानों ने
एनसीएफ 2005 तैयार किया, ठीक है, किनके अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 का तैयार किया। तो एनसीएफ 2005 जब हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसी समय बताया था कि प्रोफेसर यशपाल एवं 23 शिक्षाविद या विद्वानों के द्वारा इसको तैयार किया गया था। 23 शिक्षाविद थे, साथ में उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो प्रोफेसर यशपाल कर रहे थे। आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। तो किनके अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला सवाल, एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत है, एनसीएफ 2005 का, एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है। तो मार्गदर्शी सिद्धांत की अगर आप बात करें तो पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाना, ठीक है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर, ठीक है, क्या होगा आंसर। तो एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत के पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर, पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए, तो व्यवहारिक होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम को व्यवहारिक, व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया, तो यही उसका क्या था, मार्गदर्शक सिद्धांत था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। तो एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है, तो बिना बोझ के अधिगम, बिना बोझ के अधिगम होगा, क्या हो जाएगा, बिना बोझ के अधिगम, ठीक है, बिना बोझ के अधिगम, बिना बोझ के अधिगम को क्या कहते हैं, लर्निंग विदाउट वर्डन, लर्निंग विदाउट वर्डन, मतलब आपका कोई भी भार के बिना शिक्षा ग्रहण करना, बिना बोझ का शिक्षा ग्रहण करना, बिना बोझ का अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, मतलब बच्चों को कोई बोझ नहीं होना चाहिए, कि उन लोग किताबों के बोझ को कम करने के लिए, कि उन लोगों का जो होमवर्क का बोझ है उसको कम करने के लिए क्या क्या एनसीएफ 2005 को अपनाया गया था, ताकि बच्चे को एक्टिविटी, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए, साथ ही बच्चों को क्या कर दिया जाए, जो आप उसका कक्षा है, कक्षा को अतिरिक्त गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाया जाए, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किताबों के बोझ से मुक्त करके उसे गतिविधियों के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा शिक्षा दी जाए, यही एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य था। इससे क्या करना था कि बच्चों में तनाव को कम करना, बच्चों में तनाव को कम करना, क्योंकि एक छोटा सा बालक जो भी पढ़ाई करना शुरू ही किया है, अगर उनको हम किताबों के बोझ में डालेंगे तो वो तनावग्रस्त महसूस करता है, कैसा महसूस करता है, तनावग्रस्त महसूस करता है, तो उसके तनावग्रस्त महसूस ना करे हुए, इसीलिए एनसीएफ 2005 को लाया गया था, ताकि हमारी जो भारत की शिक्षा प्रणाली है इसे सुदृढ़ और एक बेहतर तरीके से अच्छी शिक्षा बच्चों में प्राप्त हो। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा सुविधादाता की भूमिका में होगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी, कौन सुविधादाता की भूमिका होगा, सुविधादाता, देखिए सुविधादाता की अगर बात करेंगे तो बालक को सुविधा कौन दे सकता है, शिक्षक दे सकता है, बालक को ज्ञान कौन देंगे, शिक्षक देंगे, उनकी जो समस्या उसको समाधान कौन करेंगे, तो शिक्षक करेंगे, तो सुविधादाता का रूप में वो कार्य करते हैं ना, शिक्षक, शिक्षक जो है वो सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीटेट में पूछा भी, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सुविधादाता की भूमिका पर होंगे, तो कौन होंगे, तो हो जाएगा शिक्षक, शिक्षक होंगे, है ना। आज हम लोग 10 सवाल करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, 10 सवाल को कंटिन्यू करेंगे, 6 सवाल हुए हैं हमारे और 4 सवाल अभी बाकी है, उसको अभी हम लोग करेंगे। तो जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से,
तो चलिए सातवें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सातवां नंबर सवाल क्या है हमारा, तो सातवां नंबर सवाल है एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 वो किस पर बल देता है, तो करके सीखने पर बल देता है। बच्चों कैसे सीखना है, पहले करो फिर सीखो, करके सीखने मतलब एक्टिविटी बेस्ड वर्क, ठीक है, करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। तो लिख देते हैं इसको, किस पर बल देता है, तो करके करके सीखने पर बल देता है। किस पर देता है, तो करके सीखने, ठीक है। अगला सवाल है हमारा आठवें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होता है, अधिगम जो अपने स्वभाव में कैसा होता है, तो सक्रिय सामाजिक होता है। कैसा होता है, सक्रिय सामाजिक है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होगा, तो सक्रिय 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 सामाजिक है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा आंसर, कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय सामाजिक है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, नौवें नंबर की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा एक और कक्षा दो के लिए मूल्यांकन का तरीका, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा एक और कक्षा दो के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए, कि बच्चों को हम जो पढ़ाए उसका कैसे मूल्यांकन करेंगे, अगर हम शिक्षक होंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कोई तो तरीका होगा। तो देखिए बच्चे अभी बालक छोटे हैं, तो उनको पूरी तरह से मौका मिलना चाहिए कि वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, लिखित एवं मौखिक दोनों रूप से हम उसको उसका जो मूल्यांकन है मौखिक एवं लिखित दोनों रूप से करते हैं, ठीक है, लिखित एवं मौखिक दोनों रूप से। तो आंसर हो जाएगा इसका, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा एक और कक्षा दो के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या हो जाएगा, तो लिखित एवं मौखिक होगा, लिखित एवं मौखिक, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा एक दो का जो मूल्यांकन का तरीका होगा लिखित एवं मौखिक होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 1993 में बनी शिक्षा बिना बोझ जो है, जो अभी हम लोग बात करते हैं एनसीएफ 2005 के तहत, कि मुख्य फोकस था शिक्षा में बोझ को कम कर दिया जाए, तनाव को कम किया जाए, वर्डन को कम किया जाए, किताबों के बोझ से बच्चों को बचाया जाए, किताबों का बोझ को कम से कम किया जाए। तो वही बात कर रहा है कि 1993 में बनी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर पाठ्यचर्या समीक्षा के बाद, पाठ्यचर्या समीक्षा के बाद क्या अस्तित्व में आया था, तो एनसीएफ 2005 अस्तित्व में आया था, एनसीएफ 2005 अस्तित्व में आया था, ठीक है। 1993 में बना था शिक्षा बिना बोझ, तो शिक्षा बिना बोझ का जो कमिटी है 1993 में बना, उसका कमिटी का रिपोर्ट कब आया, तो कमिटी रिपोर्ट आने के बाद 2005 में क्या बना, तो शिक्षा बिना बोझ जो है वो 2005 में इसके रिपोर्ट के आधार पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं उसको 2005 में तैयार किया गया था 1993 में बनी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। तो जितने भी सवाल हमने 10 सवाल की एक सीरीज लेके आए, 10-10 सवाल हम लोग कर रहे हैं, सीडीपी से जुड़े जो सवाल हैं, चाहे आप किसी भी टेट एग्जाम के लिए बैठते हैं, अभी जो आपके रिसेंट में सीटेट है, साथ ही यूपी टेट की जो एग्जाम कैंसिल होगी वो यूपी टेट की भी एग्जाम होगी, साथ ही अभी आने वाले हैं झारखंड में टेट की जो परीक्षा है वो होने वाली है कुछ दिनों में, उसकी फॉर्म आ जाएगी, तो ये सभी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से नोट डाउन कर लें, साथ ही वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, निश्चित तौर पर आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।